पे सोचा था कि मैं कुछ 60-70 किलोमीटर की साइकिल राइड करने जाऊँ, मतलब 70-80 किलोमीटर्स की साइकिल राइड करने जाऊँ अपनी वेलोस ग्रेवल प्रो 1.0 पे। जैसे ही मैंने सोचा, एक दो दिन बाद जब मैं प्लान बनाना शुरू कर दिया, तब मेरे पैर ने दगा दे दिया, मतलब मेरे ये पैर की नस जो है खींचने लग गई। तो उसमें मेरा हफ्ता चला गया। फिर मुझे सर्दी हो गई और वो सर्दी में मुझे वीकनेस जैसा फील हो रहा था। बाद में मेरी सर्दी ठीक हो गई, उसके बाद हुआ मेरा गला ख़राब। तो गला ख़राब हो गया तो मैं ठंडा पानी नहीं पी पा रहा था, और ऐसी धूप में अगर मैं बिना ठंडा पानी के बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। बिकॉज़ ठंडा पानी गले की प्यास बुझाता है, गर्म पानी से वो चीज़ नहीं बुझती, आई मीन प्यास नहीं बुझती। तो एक हफ्ता मेरा और चला गया। ऐसे ही हफ्ते निकालते निकालते मेरा महीना पूरा चला गया, मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल आधा ख़त्म होने आया है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और एक हफ्ता रुक जाता हूँ, क्या पता कुछ और जीवन में हो जाए और मैं वेलोस पे ना जा पाऊँ इतनी लंबी राइड करने के लिए। मैंने सोचा साइकिल व्लॉग नहीं तो अभी नॉर्मल व्लॉग ही बना लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रचिल परमार एंड यू आर वाचिंग एस फॉर बाइक्स। मैंने हशीन बोला, चलिए जो भी बोला ठीक है। मतलब यार वैसे अभी भी मुझे गले में थोड़ा बहुत कफ है, लेकिन वो 90% ठीक हो गया है। पहले मैं इसको डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इसमें कुछ था नहीं, वीडियो बन बन के भी सिर्फ 4 मिनट का बन रहा था। तो मैंने सोचा इसको व्लॉग में ही कन्वर्ट कर दूँ और व्लॉग में ही जो है आपको डिफरेंस बता दूँ रॉक राइडर ST20 का, रिवर साइड 50 का और माई बाइक का, इन तीनों का डिफरेंस। ये तीनों बाइक्स है BT विन की, यानी कि डिकैथलॉन में अवेलेबल होती है, उनके स्टोर्स में मिलती है। तीनों में डिफरेंस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक दो चीज़ें डिफरेंट है और वो भी सिर्फ रॉक राइडर 20 में। रिवर साइड 50 और माँ बाइक दोनों ही सेम है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस है शायद से टायर साइज़ का, और रिवर साइड 50 की सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल है फॉर लॉन्गर राइड्स। माय बाइक की सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी है और बहुत ही हार्ड है। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप माय बाइक भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी साइकिल है जो कि है सिर्फ 5000 में, और रियर साइड 50 है कुछ 7999, यानी कि 8000 ले लो। बाकी बॉडी फ्रेम की बात करें तो दोनों की बॉडी स्टील की आती है, आपको एलॉय भी नहीं मिलेगा, स्टील की बॉडी मिलेगी, हैंडल बार वगैरह सब। और इसमें ना आपको मिलेंगे क्विक रिलीज टायर्स भी आपको नहीं मिलते, और दोनों ही सिंगल गियर्स है। तो अभी बात करेंगे रॉक राइडर ST20 की, इसमें भी आपको सिंगल स्पीड मिलेगा, लेकिन इसमें आपको फ्रंट व्हील जो है वो क्विक रिलीज के साथ मिलेगा, मतलब क्लिप खोलो घुमाओ टायर अलग। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपका कहीं पंचर हो जाता है तो आप वो रुक के टायर निकाल के ठीक कर सकते हो, और दूसरा कि आपको अगर कहीं गाड़ी में फिट करके ले जाने हैं तो वो भी आप टायर निकाल के आसानी से फिट कर सकते हो। बट सिर्फ फ्रंट टायर में देना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद बात मुझे नहीं लगी, आगे पीछे दोनों टायर में होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बट ये सिर्फ 7500 में दे रहे तो अच्छा है, क्योंकि बाकी साइकिल्स में ये सब नहीं आता। रेड साइड 50 भी 8000 के, लेकिन उसमें भी ये चीज़ नहीं है। और रॉक राइडर की एक अच्छी बात ये भी है कि उसमें MTB टायर्स दे रहे, मतलब थोड़े से मोटे टायर्स दे रहे, अराउंड 24-27 साइज़ के, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट दे रहे। तो उसमें पंचर्स की प्रोबेबिलिटी कम है और इंडिया के कंकर मिट्टी टायर में आसानी से चल जाएगी। और इसकी भी सीट कंफर्टेबल है, जस्ट लाइक रियर साइड 50 सॉफ्ट सीट आएगी तो लॉन्गर राइड्स कर सकते हो। अगर आप इन तीनों में से कोई एक साइकिल की बात करते हो तो मैं प्रीफर करूँगा रॉक राइडर ST20 जो कि है 7500 की, क्योंकि इसमें क्विक रिलीज भी मिल जाएगा, स्विफ्ट भी अच्छी है, MTB टायर्स मिल रहे, मतलब थोड़े से मोटे टायर्स मिल रहे। ये जो टाइटल वाला पार्ट था वो इतना ही, इसके बाद अपना रेगुलर व्लॉगिंग करते हैं। बिकॉज मैंने सोचा इसका अलग वीडियो बनाएंगे पर मज़ा नहीं आया मेरे को, तो मैंने सोचा नॉर्मल व्लॉग ही कर लेते हैं और उसमें ही डाल देंगे। मैंने जस्ट अभी अभी गोल्डी थोड़ी देर पहले जाग रहा था, उसके साथ एक जोरदार कॉमेडी रील बनाया है, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, रील बहुत कॉमेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी की, और फॉलो करो, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। ज़बरदार, मैं पोस्ट क्रेडिट सीन में डाल दूँगा, यानी कि वीडियो के एंड में डाल दूँगा रील, आपको शायद पसंद आएगी, बहुत ही मस्त है।
एकदम कॉमेडी, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे शायद, अगर आपका ह्यूमर अच्छा हो तो। आज तो प्लान है थोड़ा गेमिंग का, क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप अपग्रेड किया था, मतलब 4 GB रैम था उसको 8 GB कर दिया और SSD डाल दी, तो काफ़ी फास्ट और लैगलेस हो गया, मतलब बिल्कुल भी लैग जो आ रहा था पहले वो ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा थोड़ी सी गेमिंग कर लेते हैं। मैंने बैटमैन अर्कम ओरिजिन्स डाली थी जो मैं कुछ दिनों से खेल रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में, तो मैंने सोचा थोड़ा खेल लेते। और सोच रहा था कि स्ट्रीम भी करूँ, बट कोई भी ये गेम देखता नहीं और जिसके 0 सब्सक्राइबर्स हो उसका कौन देखेगा इतनी पुरानी गेम। ये शायद 2012 की गेम आई थी, याद नहीं मुझे, बट काफ़ी बढ़िया गेम है, अभी भी काफ़ी बढ़िया गेम है ये। सो दोस्तों, आ गया मैं साइकिल पे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था लॉन्ग राइड्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अभी 1-2-3-4 दिन से 15-20 किलोमीटर्स मैं चला रहा हूँ, और ताकि मैं जब भी जाऊँ तो मेरी बॉडी और मेरे पैर तैयार रहे लॉन्ग राइड्स के लिए। सो बस वापस से धीरे धीरे अपनी वेलोस चलाना शुरू कर दिया मैंने, और सूर्य देवता बस डूबने ही वाले है, सनसेट होने वाला है कुछ ही देर में। आई रियली लव दिस प्लेस मैन, कोई नहीं होता, पूरा शांति, एकदम मस्त नेचर के बाजू में खड़े होके इंजॉय करो, और इतना शांत रहता है ना, मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, मज़ा आता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और साइकिल चलाने में भी मज़ा आता है पानी के बाजू बाजू में। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल साइकिल चलाने के बाद मैं घर आया, खाया पिया और सो गया, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। और आपने अब तक देख लिया होगा कि मैंने अपना मुखड़ा शेव कर दिया है अभी सिर्फ आधा अधूरा ही किया है, अभी सिर्फ ये आधा अधूरा ही किया है, बाकी ये पूरा साफ कर लूँगा मैं क्लीन। अच्छा लग रहा हो कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मुझे पता है। तो ये पूरा क्लीन करने के बाद एंड करेंगे वीडियो। कैसा लग रहा हो? बढ़िया। इसके बाद तो मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, अगर पूरा मुँह छुड़ा दी तो मैं खुद ही, मतलब 10-20 साल जवान हो गया मैं, ऐसा लग रहा है मुझे खुद को देख के अच्छा है जब मैंने लंबे बाल किए थे तब बाल छोटे करवाने के साथ मैंने शेव नहीं किया था, मतलब ट्रिम या शेव नहीं किया था जीरो पे, नहीं तो मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले भी मुझे पहचान पाते कभी। बाकी बचपना वापस आ गया मेरा, वो बात अलग है, आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ, बट फिर भी थोड़ा और बचपन में मैं चला गया जो है यही है, ऐसा ही है। मिलते हैं बाद में। सो या मैंने नहा लिया एंड दिस इज द फाइनल लुक। जरा बाल सही से मैंने नहीं बनाए, एक्चुअली मैंने बनाया ही नहीं, तो सही गलत की बात ही नहीं आती। सो या दिस इज़ हाउ आई लुक। और बाल अगर थोड़े और सही से या फिर कुछ हेयर कट करवा लो तो अच्छा लगेगा, बाकी 10-20 साल जवान होकर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये मैंने वी नेक वाले टी शर्ट्स लिए, मैंने कह रहा था अच्छे लगते हैं, एक बार ओशा में ट्राई भी किया था हमने, तो मैंने सोचा कुछ और वी नेक वाले ले लेते हैं। मैंने 2-3 लिया था, आपको व्लॉग में नए नए कुछ टी शर्ट्स देखने को मिलेंगे कुछ दिनों के लिए, तो वैसे अच्छा तो लग रहा है, मैंने माना अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा। बाकी इसको हाथ घुमा घुमा के मैं थक गया, एक्चुअली इसके बाल बहुत झड़ते हैं, तो हाथ घुमाओ और पूरे हाथ में चिपक जाता है, तो अभी नहाने के बाद मैं नहीं घुमाऊँगा। बाकी मज़ा आ गया इतने टाइम बाद क्लीन करने के बाद। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना अच्छा लगा या नहीं, या जो कंपैरिजन था वो मैंने सही से किया या नहीं। बहुत जल्दी जल्दी में वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन उसमें कुछ था भी नहीं कंपेयर करने को। और वीडियो को शेयर कर देना अच्छा लगा हो तो,
बाकी तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, आपको पता ही होगा, समझदार लोग हैं बहुत आप सब लोग। तो मिलूंगा मैं फिर किसी अच्छे व्लॉग में। एक्चुअली साइकिल व्लॉग बनाने का प्लान है, आज शाम को डीकेएच जा रहा हूँ मैं कुछ काम के लिए, इसीलिए तो शायद साइकिल व्लॉग होगा, शायद कंफर्म नहीं कह सकते भैया हम। सो अगले व्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सायनारा। अच्छा लोग है, बाय बाय।